अंदर हम लोग जन संदेश देते हैं, उस टाइम के आइटम बनाए हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब पानी की किल्लत के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, नस्लों के ऊपर। तो ये भी एक सरकार जिसमें लाखों रुपए खर्च करती है, हम लोग निःशुल्क देते हैं। और फिर भारत की आर्ट है जी ये कला, लंबा अब मैं वाले 74 से मैजिक शो कर रहा हूँ जादूगर सम्राट शंकर के नाम से, मेरे का काफी करीब सभी ने देखा ही होगा, और आज 50 साल हो गए 50। अभी मेरा यमुनानगर में शो था ही, तो हम लड़की को हवा में उड़ाते हैं, पब्लिक में से लड़की को लेते हैं, तो वो शो के बाद फिर मैं नीचे आता हूँ, कोई लोग ड्रेस पहनी होती है ना सेल्फी करने, तो एक लड़की की मदर मिली, कहने लगी अंकल जी मैंने 40 साल पहले मधु सिनेमा में हवा में उड़ी थी, आज मेरे लड़के 21 साल की अब हवा में उड़ाई है, तो आप अभी चल ही नहीं हो गया। तो मैंने कहा चलने वाली को कोई बात नहीं, ये योग और खान पान थोड़ा अपनी तरफ से ध्यान देते हैं, ये तो 74 की एज में आज कोई मैजिशियन शो नहीं करते, कोई चीज तो आपके शब्द नहीं है वो आपके लिए जादू। अब कितनी बार अपने प्रधानमंत्री जी अभी कहते हैं हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, जो हम ये करते हैं वो जादू का जिक्र जरूर होता है। ये आर्ट होता है, माने जैसे पेपर है स्टेज पे, तो आप बड़े जादू देखते हो, हमारे जैसे पेपर है, अभी एक मिनट बाद आप देखोगे इसका जैसे कलर चेंज हो जाता है, रेड में ब्लू में ग्रीन में, आपकी आंखों को लगता है ऐसा होता है, अब आपको क्या लेकिन वो थोड़ी देर बाद पेपर काफी लोग कहते हैं ये वाला सिखा दो और कुछ नहीं, असली में है क्योंकि सारी चीजें गवर्नमेंट के ना डीपीआर के पास ही जाती है सब चीजें। तो क्या है जी, मतलब हम इस कला के जरिए अंधविश्वास दूर करते हैं। अब मैंने रिंग है आपका हाथ दिखाओ, अब इसको ऐसे करते हैं, अब ऐसे ऐसे किया ये काजू आ गया, ये खाओ उसने, अगर वो जो बाबा देते तो लोग भगवान का गुरु भगवान है, कला का नाम ही जादू है। कला क्या जगह मान ली कोई भी, ये तो क्लोजर मैजिक है ना, मतलब बिना स्टेज के स्टेज पे तो आप बड़े मैजिक देखते हो, हमारे सभी डिफरेंट कार्ड है अलग, वैसे भी का उंगली रखो अब जैसे आपने ये कर, ठीक है, अब ये कार्ड आपके माइंड में सेट हो गया सब क्या, अब आप जिस भी कार्ड को टच करोगे आपको यही नजर आएगा, ऐसा कहीं भी ना फिर देखो नजर वही आएगी, यानी कार्ड तो ताश में एक ही होता है, ऊपर आएगा तभी आपको वही दिखेगा। अब अगर कुछ टाइम के लिए आपको सारे कार्ड ये दिखा दें, 52 का 52 ये मेंटली जो होगा सर, जो राजीव कुमार ने ये वो होगा सर, ये नेता वगैरह इसलिए बुलाते हैं ना जी, आप बैलेट पेपर पर सारे यही दिखा दो। तो इसलिए क्या है ये कि आर्ट है, और इतनी बड़ी आर्ट है आप सोच नहीं सकते, लोग तथा कथित अपने आप को भगवान के रहने वाले, लॉकेट पैदा करना, रिंग पैदा करना, भभूति पैदा करना, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, और इतना पास से कोई मैजिशियन दिखाते नहीं इस स्टेज पे, तो आप लोग देखते हैं। एक मैं आपको ट्रिक मैजिक बताता हूँ, हाथ की सफाई करके आप कैच करने की कोशिश करना, मैं इधर भी बैठे हैं इधर भी, और हाथ भी बाजू है, कई बार होता ना मेरे को बाजू, तो एक आपको ट्रिक मैजिक बताता हूँ, और सम्मोहन है हिंदी का, नजरबंदी अपने वैसे कह देते बस, इसमें 75% ट्रिक्स होते हैं, 25% मास हिप्नोटाइज, ये 1 रुपए का क्वाइन है, ये सेंट है, अब आपके सामने क्वाइन को ढाके रखा, इसको पोके, अब इसमें क्या रहना चाहिए आपके साथ, क्या बचना चाहिए, ये सेंट नहीं वो दोनों है, ये तो मैं कह रहा हूँ आप ध्यान इधर रखो, अब अपने मान लिया इस सेंट को ढाके यहाँ रखा और इसको पॉकेट में,
अब इसमें क्या रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वो दोनों है। आपका धन से मेरे हाथ की तरफ, अब ये लास्ट है, अब यहाँ खड़ी है, कॉइन को रखा इसको, ये लास्ट है, अब इसमें सेंटीमीटर थी वास्तव में सेंटीमीटर। जैसे भी नोट बनाया था, अब वो कागज नहीं बनाने, इसका अगर वही पेपर वापिस बनाए तो आपकी आंखों में एटीएम मशीन नोट याद है, कागज आने नोट याद है, नोट याद है, नोट ही रहेगा। तो क्या जी, कितनी बड़ी फाइन है, इतने पास सरपोल नहीं। अभी घर में दुगना सोना बना देंगे, दुगने नोट बना देंगे, रोज फ्रॉड होती है। हम कहते हैं इन चीजों से आप लोग बचो, ये कला है, कला तक रख है। अगर वाले ऐसे नोट बने फिर अपने कमाने की छूटते क्या? कई बार अमूमन क्या होता है, घरों में आग लग जाती है, वो भी किसी कलाकारी है या कोई? ये कलाकारी ऐसी कोई चीज नहीं, वही चीज है। हम किसी प्रेत नाम की चीज संसार में नहीं है। जो आदमी जिंदगी कुछ नहीं कर सका, मरे बाद क्या करेगा? ये मन के भरम है जी, मतलब उसको निकालो आप, यानी विल पावर को स्ट्रोंग रखो, योग किया करो, कंसंट्रेशन बने, मन को एकाग्र करना ही सबसे बड़ा योग है। अब जैसे बच्चों के लिए वैसे बनाए हुए हम मोबाइल है, अब इसमें कुछ भी बना दिया, अब इसको ऐसे करते हैं बोल रहा इसलिए फाइन आर्ट एक कला के रूप में दिखाते हैं। ये सर जो निकालते हैं निश्चित होता है या हम बोले कि फल निकालिए तो निकल जाएगा? ये सब क्या है, ये दृष्टि भ्रम है जी। यानी मैंने बोला ना 75% ट्रिक्स होते हैं, 25% मास को हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटिज्म एक साइंस है, सम्मोहन हिंदी में कह दो, नजरबंदी। वैसे अब जैसे कई लोग लॉकेट पैदा करते हैं, रिंग पैदा करते हैं, तो कोई अंगूठी है आपके पास, आपको काम की चीज समझे, कोई नकुल जैसे मान लिया कोई भी चीज इतना पास से है, अब इसको ऐसे ऐसे करते हैं, अब इसमें से बहुत साथ लेके जाना, कोई खास काम के लिए जाना होगा, बच्चों में नजर होते हैं। अब लंदन में हमने पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था, मासिक लंदन में 40 दिन शो रहे थे। एलन मित्तल जैसे ओनर किया, दक्षिण मित्तल का नाम सुना है लंदन में, क्योंकि पीएम को बुला के 40 दिन शो थे, कह लगे हमारे इंडिया के है। तो शाम को 6 से 8 शो का टाइम था, 7 बजे हम स्टेज पे पहुंचे, घंटा लेट जाती लोग वगैरह होने के क्या त्रिमणे जादू करे टाइम के पूछो इंडिया से आए हो। मैंने कहा बड़ी घड़िया देखी, 5 मिनट बिफोर 5 मिनट सब घड़िया 6 मिनट में। एक डॉक्टर था वो हिप्नोटाइज नहीं हो, वो चिल्लाता रहा कि मेरी घड़ी में 7 बजे, दूसरे कह रहे मजे बैठ रहे थे हमारे बजे कड़े इतनी पब्लिक के बीच में, तो घड़ी भी ना बंद है, क्या टाइम हुआ सर? जो
बारह सत्रह सर ये मेन क्या है जी, इस कला को जिंदा रखना तो ये लोग तो पीता है, और इस कला के अंदर काफी लोग बाद में आए। हम लोग जन संदेश देते हैं, आप लोग कल शो देखेंगे। अब जैसे उस टाइम के आइटम हमने बनाए थे, एक आइटम बनाया इल्यूजन ऑफ मिरर, लड़की देखते देखते गायब हो जाती, फिर हम बोलते अगर ऐसे लड़कियां गायब होने लगी तो भारतवर्ष में लड़कियों में कमी आ जाएगी, इसलिए कन्या भ्रूण हत्या करना महत्व, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। ऐसे हमारा वाटर ऑफ इंडिया का पानी का लोटा वो खा ले, पानी का लोटा मतलब वाटर ऑफ नारनौल, अगर नारनौल में क्या पानी की कमी चल रही है, उसमें पानी नहीं आता नारनौल के लोग, ऐसे मतलब पानी की किल्लत के ऊपर, ऐसे पर्यावरण के ऊपर, नस्म के ऊपर हम लोग आइटम बनाए। और हर एक बार आप नॉवल्टी देखो, आज से 7 साल पहले हम लोग आए थे टाउन हॉल को सभागार स्वर्ण जयंती का प्रो, अब आप देखोगे और नए आएंगे और नए नए शिष्य तैयार किए, ये जूनियर जादूगर सम्राट शंकर है, ऐसे और भी जूनियर आप देखेंगे स्टेज पर, ताकि इनको अगर शो में मौका नहीं देंगे तो कैसे आगे चलेंगे। इसलिए हमने दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक बना रखा है प्राइवेट अकेडमी, और सरकार से अनुरोध करते हैं यदि मतलब, लेकिन हो जाए जब किया जब पूरा होने लगता है जब सरकार बदल जाती है। सर इसमें आपकी टोटल कलाएं हैं या ध्यान या इसकी योग की आवश्यकता भी है? इस आर्ट में जी नहीं, आर्ट में मैंने बताया ना जी, हम एक कला के रूप में दिखाते हैं जी, और मेडिटेशन तो है ना जी, मन को एकाग्र कर रहा है सबसे बड़ा योग, आज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड अपने ध्यान योग, हर एक संत कहते हैं अंदर का ध्यान करो, लेकिन अंदर का ध्यान कहाँ आता है? इसके लिए सबसे पहले गुस्सा छोड़ना पड़ता है, धैर्य रखो अपने तरीके से। मान ली मेरी 12 साल की उम्र थी, 14 साल की, उस टाइम जादूगर देव कुमार आए थे हमारे अग्रवाल परिवार से, बड़ियों का जादूगरी का मेल नहीं होता, बड़ी दिखते हैं, उनको देख करके शौक हुआ। फिर मैंने कई बार भाग्य भी उनका शो देखा, फिर मैंने कहा मेरा इंजीनियर बनने का सपना था, घरवालों को बिजनेसमैन बनाने का, फादर के वहां मैदान में बने, मैंने कहा यार ये तो बहुत होते हैं, आईएएस होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कोई ऐसा मुकाम हासिल किया जाए दुनिया जा। तब हमने इसको चुना, फिर 5 साल की इसको फॉलो में जादू सीखने जाना है, घरवाले कहाँ जाने थे, साथ में स्टडी भी करता रहा, साथ जादू सीख सिंपल कार्ड के। अच्छा पहले कभी झूठ बोलो यहाँ पे नहीं बोलना, ऐसा तो पॉसिबल है। चलो एक आप कार्ड निकालो, कोई भी जो आपकी इच्छा, कोई भी कार्ड निकालो, आप देख लो कहीं मिला तो क्या, तो मिलाने के बाद सफल करने के बाद मिला तो दिया था ना, ये वाला कार्ड सिर्फ अपने ये से नो में ड्रॉप देते हैं, अगर ये वाला कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ये नहीं है, अगर ये वाला कार्ड नहीं तो इसको आप नीचे फर्स्ट कार्ड या सेकंड जरूर हो, ऐसा मजाक नहीं करता, पहला कार्ड सही चलता आपके लिए दूसरा, फिर कौन सा था बता दें और अपने हाथ के अंदर बंद करो, से आग से आग लगाओ, हुक्म की बनी थी आपकी, 5 स्पेड रुक निकालो आग में आ जाओ। कल से कार्यक्रम शुरू है जी, दोपहर को और शाम को,
मैक्सिमम लोगों को अपने लाना है ये आर्ट को दिखाने के लिए, निःशुल्क एंट्री फ्री है और टाइम से आधे घंटे पहले आना है क्योंकि ये फ्री है ना जी, किसी को बैठने के बाद उठाना बड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट कॉलेज में